डियर स्टूडेंट, मैं रमेश मिश्रा, आज हम आप लोगों को एक छोटा सा ट्रांसलेट पढ़ाने जा रहे हैं जिसमें आल और इस का प्रयोग होता है। जैसे तुम क्या खाते हो, तुम क्या खाते हो, टेंस अपनी जगह रहेगा, यूज अपनी जगह। क्या का ट्रांसलेशन हम करते हैं व्हाट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं और तुम के लिए यू लगाते हैं, व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। लेकिन यहाँ से ये ट्रांसलेशन थोड़ा सा भिन्न है, यहाँ दो बार क्या क्या है, तुम क्या क्या खाते हो, तो क्या 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 हम व्हाट दो बार लिखेंगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि उसके बदले में आल लिखेंगे, व्हाट आल माने क्या क्या। फिर अब बाकी का रूल्स वही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे, सब्जेक्ट यू लिखेंगे, फिर खाना का ईट, व्हाट आल डू यू ईट, मतलब व्हाट डू यू ईट जैसे है, तो अगर क्या क्या दो बार आ जाएगा तो व्हाट आल कर देंगे बस। सीता कहाँ कहाँ पढ़ती है, कहाँ कहाँ हम जानते हैं वेयर होता है, लेकिन कहाँ कहाँ अगर दो बार आ गया तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, आल लिख दिए, दो बार हो गया, वेयर आल। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सहायक क्रिया डच, फिर शुरू वाला सब्जेक्ट सीता, फिर पढ़ना का रीड, व्हाट आल डज सीता रीड। तुम कब कब खेलते हो, कब कब का हो गया व्हेन, और कब कब दो बार है तो व्हेन आल, कब कब का हो गया व्हेन आल। उसके बाद सहायक क्रिया डू और सब्जेक्ट यू, फिर खेलना का प्ले, टेंस अपनी जगह रहेगा, यूज अपनी जगह, व्हेन आल डू यू प्ले। अब इसको देखते हैं, तुम और कहाँ पढ़ते हो, अगर कहाँ कहाँ दो बार होता तो हम व्हेयर आल लिखते, लेकिन यहाँ और कहाँ है, जैसे तुम क्या क्या खाते हो, तुम और क्या खाते हो, तो और कहाँ का लिखेंगे, इल्स लिखेंगे, ई एल एस ई एल्स। तो आपको ये समझना जरूरी है, आल का प्रयोग हम करेंगे दो बार, जैसे दो बार आया हुआ, कहाँ कहाँ, क्या क्या, कब कब, और इल्स का प्रयोग करेंगे जैसे और आ गया, और कहाँ, और कब, और कैसे। तो वेयर इल्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू, सब्जेक्ट यू, पढ़ना का रीड। थैंक यू।